हेलो बच्चा बाड़ी, तो कैसे हैं आप लोग बच्चा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, ये बहुत हॉट क्वेश्चन में से एक है बेटा, बहुत ही हॉट क्वेश्चन। चाहे वो टर्म वन एग्जाम हो, चाहे वो आपका फाइनल एग्जाम हो, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उन सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे बच्चों। तो चलो बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं और भी क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, अभी उनमें से सारे क्वेश्चंस करके देखेंगे, एक क्वेश्चन से मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा मेरे बच्चों, ठीक है? तो चलिए मेरे बच्चों निकालते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24x7 में। बच्चा टॉपिक है आज का, पहले तो यार मैं इसको ना हॉट क्वेश्चन बोलता हूं बेटा, ये बहुत ही हॉट क्वेश्चन में से एक है। इसको कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला बेटा। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने ये भी लिख लेता हूं, चलो ये बना लेता हूं। क्वेश्चन है कि अभी ना हमारे पास एक एक्स की इक्वेशन दी है, डिस्प्लेसमेंट है हमारा और एक वेरिएबल है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ। मैंने बोला That will be a 3t square plus 5t। बेटा इसको करने से पहले अगर आप लोगों ने फिर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की वीडियो नहीं देखी है तो रिक्वेस्ट है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन देखोगे तभी जाकर ये क्वेश्चन आपसे हो पाएगा। मान लीजिए एक x की इक्वेशन देती है, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को इजी रहे। x की पावर 3 कर देता हूं, ये थोड़ा सा और इजी, थोड़ा सा और 3t³ + 5t² कर देता हूं। ये एक इक्वेशन दे दी मैंने। अब मैंने आपसे बोला कि बच्चा मेरा फाइंड करना है आपको, क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है पहला नंबर आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है एट t = 2 seconds पे। Instantaneous velocity वो velocity होती है जो एक certain instant of time पे निकाली जाती है। Same मैंने आपसे बोला कि भाई मुझे average velocity भी चाहिए, वो भी average velocity चाहिए between, कब? Between 1 second से लेकर 3 seconds तक चाहिए। Okay, मैंने बोला मुझे भाई इसी question से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी चाहिए, वो भी कब? एट t = 3 seconds में चाहिए। और मैंने कहा कि मुझे एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए, वो भी कब? बिटवीन 1 second से 3 seconds के बीच। मेरे एक क्वेश्चन ऐसे ही मैं आपको दो क्वेश्चन इसको पढ़ाने के बाद दूंगा और आपको सॉल्व करना होगा। मेरे बच्चे बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, इसको मत छोड़िएगा, इसको क्वेश्चन को करके जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएगा तब जाके चीजें आराम से क्लियर होंगी। तो बच्चा फिर आपको बोल रहा हूं कि हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे बच्चे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाली वीडियो पहले कंप्लीट कर लोगे तो ये कुछ भी नहीं। फिर भी कोशिश करूंगा कि कुछ आलसी पर्सन है जो इंटीग्रेशन वीडियो नहीं देखेंगे और ट्राई करेंगे कि यहीं पर समझ में आए, तो कुछ ऐसे प्राणियों के लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि यहीं पर समझ में आए। तो बच्चा हमने इक्वेशन क्या देखी, हमने हमारे पास इक्वेशन थी x = 3t³ + 5t² बच्चा। मैंने इसको आगे कर दिया और मैं यहां पर आ गया, क्या मैंने कहा वेलोसिटी निकालते हैं पहले, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं वेलोसिटी निकालते हैं पहले। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx/dt, यानी डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। चलो भाई d/dt और मैं डिफरेंशिएशन करने आ गया 3t³ का और 5t² का। बच्चा देखो मैं पहले वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, जब मैं पहले वाले टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा तो 3 को निकाल के बाहर फेंक, कोफिशिएंट है बाहर निकालो, t³ का डिफरेंशिएशन, जो पावर होती है ना पावर को कर दो आगे और एक पावर कर दो कम, जैसे एग्जाम्पल t³ है तो मल्टीप्लाई t³ का करो, 3 को करो आगे और उसकी पावर को कर दो कम, पावर को लाओ आगे एक पावर कर दो कम, पावर को लाओ आगे एक पावर कर दो कम। मींस मेरा बच्चा ध्यान दे,
पावर को लाओ आगे, एक पावर कर दो, कम का मतलब समझो, अगर मैं टी की पावर 10 बोलता तो 10 को लाओ आगे, एक पावर कर दो कम, तो यानी टी की पावर 10 है अगर, तो 10t9, टी 50 है तो 50t49, मतलब समझो, पावर को लाओ आगे, एक पावर कर दो कम, यहां पर 5 मल्टीप्लाई 2 करेक्ट, तो ये हुआ 9t स्क्वायर, 9t स्क्वायर प्लस 10t। भाई मुझे ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, ये मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन है, मुझे निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो भी कब, एट टी इक्वल टू 2 सेकंड्स में। बच्चा मेरा 2 सेकंड्स में तो निकालना है वेलोसिटी एट 2 सेकंड्स, तो अब वेलोसिटी एट 2 सेकंड्स हम निकालेंगे मेरे बच्चे, देखिए क्या आएगा हमारे पास, वी इक्वल टू 9, टी की जगह पर हम 2 का स्क्वायर प्लस 10 गुना 2, समझ में आ रहा है, 4 36 हो जाएगा प्लस 20, यानी आंसर आ गया 56 मीटर पर सेकेंड। आई होप बात क्लियर हो गई होगी मेरे बच्चे कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, 2 सेकंड में एग्जैक्ट जो स्पीड होगी वो हमारी क्या होगी, ये होगी। अब आपको पता है कि अब हमें सेकेंड पार्ट पे चलना है, अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, और आपके सामने इक्वेशन जो दी हुई है वो क्या थी, x3t³ + 5t² दिया हुआ है। अब आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी, अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा एवरेज वेलोसिटी x2 - x1 / t2 - t1, वो भी एवरेज वेलोसिटी किसके बिटवीन निकालना है आपको, 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में निकालना है, 1 सेकंड से 3 सेकंड। तो बच्चा मेरा ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट यानी 3t³ + 5t² ये डिस्टेंस है, और वो भी डिस्टेंस कितने सेकंड पे, 3 सेकंड पे, माइनस डिस्टेंस 3t³ + 5t² वो भी कितने सेकंड पे, 1 सेकंड में, फाइनल माइनस इनिशियल। अब t2 क्या है, 3 सेकंड - 1 सेकंड, यहां देखो 3, t³ 3 प्लस 5t³² माइनस 3t³ 1 प्लस 5t³ 1। अब आपको पता है ब्रैकेट था ये, तो इसका साइन अगर चेंज हुआ है तो इसका भी साइन हमारा चेंज होगा, इसका साइन भी चेंज होगा। अब यहां साइन में क्या मैं माइनस डाल दूंगा, अरे यार ये माइनस हो गया तो ये भी माइनस हो जाएगा, और नीचे की जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, 2 3 3 9 27 27 3 27 3 यार देख लेना चाहिए, 81 होना चाहिए, बिल्कुल 81 प्लस 9 45 माइनस 3 - 5 बहुत बड़ी वैल्यू हो गई यार, ओ शिट गड़बड़ हो गया यार, हे भगवान आ गया, थैंक गॉड। भाई पता है इस बोर्ड को मैं अभी यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं पीपीडी इस पे ले रहा था, इसीलिए गड़बड़ कर रहा है, परेशान कर रहा है, कह रहा नया बंदा है तो इस पे तो थोड़ा सा परेशान कर दो, चलो इधर ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या देखा, 81 हो गया, 45 हो गया, माइनस 3 हो गया,
माइनस का 5 हो गया, अपॉन में नीचे 2 हो गया। अब मेरा भाई ध्यान देगा यार, 81 प्लस 37 अपॉन 2, यहां पे 8 और 1 काटोगे यहां पे वैल्यू आएगी 59, यानी आंसर है 59 मीटर पर सेकेंड। बेटा यहां पर हमारा आंसर आ गया 59 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ये थी एवरेज वेलोसिटी, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी है। अब बेटा आपने यहां देखा कि यहां पर आपका इंस्टेंटेनियस 56 मीटर पर सेकेंड आ गया था, और यहां पर एवरेज जो आया हमारा 1 से 3 सेकंड के बीच में वो कितना आया 59 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चा आप यहां ध्यान दो, अगर हमसे क्वेश्चन पूछता कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालो, हमारा थर्ड पॉइंट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो हमारे पास वेलोसिटी की ऑलरेडी इक्वेशन आ चुकी है। आप लोगों को याद ना हो फिर भी मैं बता दूं, यहां पर जो वेलोसिटी की इक्वेशन 90 स्क्वायर प्लस 10 t आ चुकी थी। सर कहां आई थी? पहले तो ध्यान नहीं दिया, यही तभी तो कहता हूं देखो ध्यान दो, आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ चुकी 90 स्क्वायर प्लस 10 t। जब यहां पर ऑलरेडी इक्वेशन आ चुकी तो अब आपको क्या निकालना है बेटा? अब आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो भी कितने पे 2 पे निकाल लो, 3 पे निकाल लो। वहां क्या बोला हुआ है? चलो वहां क्या बोला है ये देखो, वहां क्या देखा है, यहां पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 3 सेकंड्स में निकालो, ठीक है ना, 3 सेकंड्स में निकालो। अरे यार 2 सेकंड में बोले, 3 सेकंड में बोले, अपन को क्या यार, अपन तो कर देगा जिस पे भी, अपन को यहां पे वेलोसिटी की इक्वेशन की बराबर है, करेक्ट, अपन को वेलोसिटी की इक्वेशन। तो देखो यहां इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन, क्या इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डीवी बाई डीटी। यहां पे देखो डी बाई डीटी 90 स्क्वायर प्लस 10 t। अब बच्चे यार मैं इसको कर रहा हूं यार, इस बार तो वीडियो पॉज करके तुम लोग करके देखो, यहां पे क्या देखोगे, 9 को बाहर टी स्क्वायर क्या होगा 2 into t, पावर को लाए आगे एक पावर कर देगा। अब यहां पर 10, टी का डिफरेंशिएशन होता है 1, टी का डिफरेंशिएशन 1, ओके, तो यहां पर आंसर आया 18 t प्लस 10। टी कितना है भाई? 3 सेकेंड। लो 18 into 3 plus 10 54। जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालते हैं मेरे बच्चों, तो अब हमसे पूछता है एवरेज एक्सेलरेशन। भाई अब मैं अपने फोर्थ पार्ट पे आ गया, आपको वेलोसिटी की इक्वेशन 90 स्क्वायर प्लस 10 t गिवन है, आपको क्या निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, दैट विल बी v2 minus v1 upon t2 minus t1, और कहां से कहां तक के बीच में निकालना है, 1 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच में निकालना है, 1 सेकंड से 3 सेकंड। अरे यार देखो तो यार बहुत इजी है यार, 9 t स्क्वायर प्लस 10 t। बच्चा आप क्या करिए, पहले 3 सेकंड पे निकाल लीजिए, माइनस कर दीजिए 9 t स्क्वायर 10 t, कहां पर 1 सेकंड में निकालिए, और 3 minus 1। अब यहां देखो 9, टी की जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस 10 into 3 minus 9, टी की जगह 1, 10 टी की जगह 1 अपॉन 2 आ गया। भाई देख यार ब्रैकेट अगर ओपन करूंगा मैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, चलो यही सॉल्व कर देता हूं, ये हो गया 9 981,
9 ही थी, पर 30 हो गया मेरे बच्चे, ये माइनस का 9 हुआ मेरे बच्चा, ये माइनस का 10, बेटा साइन चेंज हो रहा है ना। ओके, तो एवरेज एक्सेलरेशन मेरे पास आया मेरे बेटा यार 81 है ये भाई, ये हो गया बेटा 81 माइनस 20 और 9 गए 11 प्लस 11 अपॉन 2 9 कट जाएगा 46 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 46 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका था एवरेज एक्सेलरेशन। बच्चा आप देखो यार कुछ नहीं किया यार मैं, नथिंग एल्स, यहां देखो कितना इजी था, ये देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया यार मैंने, यही तो है। मतलब यहां पर हमने एक एक्स की इक्वेशन ले ली, सेम मेथड से आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हो, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। मैं आपको ना तीन क्वेश्चन दे रहा हूं, कंडीशन बिल्कुल यही रखिएगा, कंडीशन बिल्कुल यही रखिएगा, और होमवर्क में आप दो क्वेश्चन करिए, इसका आंसर मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। एक्स की इक्वेशन ले लो एक बार, 9t² + 10 पहला क्वेश्चन, सब इसका ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में निकालिए, वेलोसिटी में निकालिए, ये सारे चारों के चारों कंडीशन, और एक एक्स की इक्वेशन ले लीजिए 9 बार बार ले लो 19t³ 10t² + 2 ये आपको थोड़ी सी बड़ी क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में परेशान करेगा, बट ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क है और कमेंट करके बताने मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आने वाला है, ठीक है बच्चा, डेफिनेटली। तो आपको इसको वाइंड अप करना है मेरे बच्चों, और फटाफट आपको आंसर कमेंट करके बताना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे बच्चे, ओके।